मैंने ये 8-30 साल से देख रहा हूँ और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं, तो ये कर किस लिए रहे? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये 8-30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूं, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके खानदानों से माफी मांगता हूं कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, तो लगता है कि पाकिस्तान कस्टेड हो गया? मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, प्यार मोहब्बत से किया। अब असेंबली को काम करना है, लोगों को काम करना है, जो इलेक्टेड आए हैं उनको काम करना, लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम उम्मीद करेंगे सेंट्रल स्टेटहुड जल्दी दे देगा, फुल सेंट्रल, ट्रंकेटेड सेंटर स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जिससे कि हुकूमत काम कर सके। यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, बेकारी है, बदहाली है। आप जानते हैं कितना ड्रग्स का यहाँ पे माहौल बन गया है, उसकी तरफ देखना है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी हालत को बेहतर करना है। ये कैसे होगा जब तक कि पूरी ताकत रियासत की हुकूमत को नहीं होगी? कल उमर साहब पीएम से भी मिले, तो ये अच्छी बात है कि यूटीआर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर के साथ। मैं तो हर वक्त यही कहता था, जब मैं वजीर आला था मैं हर वक्त यही कहता था कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पास है और जितना कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा है। तो हमें अभी बीजेपी एक लीडर से बात, उसने कहा जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से ये अटैक्स बढ़ रहे हैं। बीजेपी को जो इनके लीडर है उनको अक्ल करनी चाहिए। जो कहते थे कि हम बड़ी बहुमत से आएंगे, कहाँ है आज? जम्मू में रह गए, नफरत से रह गए। अब उनको भी रास्ता सही करना चाहिए। हमने काम करना है और बेहतर काम करना है।